ये क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बराबर, कि लास्ट हमने कल 26 नंबर किया था, 27 से स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय राजेंद्र, प्रिपेयर अ बीआरएस 31 दिसंबर, कौन सी डेट है? 16। शोइंग बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है? कैश बुक। ठीक, कैश बुक का बैलेंस है, शुरू करिएगा। पॉइंट दिए हुए हैं डेबिट बैलेंस शोन बाय, इन उल्टा हो गया। सही, अब यहाँ पे बैलेंस किसका दिया हुआ है हमारे पास? पासबुक का, सॉरी, कितना? 17800। नथिंग मेंशन डेबिट बैलेंस है, पासबुक का डेबिट, बैंक का डेबिट मतलब क्या होता है? नेगेटिव, दूसरा लैंग्वेज में रहना। तो शुरू करते हैं जी, 27 डेट है 31 दिसंबर 16। आ जाइए, 26 मैंने किया, अच्छा ठीक है, कल बुक पे गया था। 27 हेडिंग दीजिए बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2000, कौन सा है? 16। यहाँ पे पर्टिकुलर्स प्लस और क्या है? माइनस। डेबिट बैलेंस, जैसे इन्होंने लाइन बोली है, एज पर किसका बैलेंस है? पासबुक का। अभी आप कह रहे थे कितना था? 17800, तो माइनस में जाएगा 17800। देखिए ब्रो, माइनस में 17800। धन्य जी, इसके बाद शुरू हो जाइए। पहला पॉइंट कैश बुक देखना है, पापा यहाँ लिख भी देते हैं। सारे क्वेश्चन में मैंने देखना किसको है, अगर कैश बुक प्लस में हुई तो प्लस में, वरना माइनस। वो पॉइंट पढ़कर उस पे क्या इंपैक्ट जाता है। आइए सर, चेक्स 21600 के इशू करे लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, इशू तो करने ही थे, ओके। उसमें से 14800 ओनली क्या हुए प्रेजेंट, तो मतलब बाकी बंदे बैंक से पैसे लेने नहीं गए। बैंक से पैसे लेने नहीं जाएंगे तो बैंक से पैसे नहीं कटेंगे, उससे पासबुक बढ़ जाएगी, पर हमें क्या देखना है? कैश बुक। तो कैश बुक क्या हो जाएगी? माइनस, बट डिफरेंस अमाउंट, क्योंकि मैंने चेक दिए 21600, माइनस करिए उसमें से 21600 में से माइनस 14800, 6800 से अपनी कैश बुक, बल्कि हमने कैश बुक पढ़ना है, अपनी कैश बुक क्या है? माइनस। तो लिखेंगे क्या? चेक इशू लिखिएगा, बट नॉट प्रेजेंटेड। और आपको एक चीज बताई थी, जब भी चेक इशू होते हैं हमेशा कैश बुक की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होकर ही जाते हैं, तो कैश बुक तो डे वन से ही क्या थी? माइनस। पर हमने पढ़ के बताया उतने से ही। चेक 10750 के डिपॉजिट करे बैंक में, जिसमें से एक चेक 42 का क्रेडिट तो हुआ, बट हुआ कब? जनवरी। तो डिस्प्यूट सिर्फ कितने का है? 42। पैसे मिले बट लेट मिले, पर उसका फायदा क्या हुआ? तो पैसे मिलने से मतलब 31 दिसंबर तक हमें बैंक से पैसे नहीं मिले, पासबुक क्या है? माइनस। तो कैश बुक क्या है? प्लस। और वैसे भी ये पॉइंट कहाँ आना था? प्लस में। अगर इशू वाला पॉइंट माइनस में है तो अब यहां लिखेंगे क्या? चेक डिपॉजिट बट क्रेडिट आफ्टर डेट, नोट करिए, जरूरी नहीं कि हमेशा यही होगा, क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट हुआ बट आफ्टर डेट हुआ। मैं जिस दिन तक बीआरएस बना रहा हूं तब तक मुझे बैंक से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि आपको उस चेक का पैसा मिल गया, सो दैट्स व्हाई मेरे लिए कोई फायदा नहीं। तो पासबुक माइनस होगी तो उल्टा कैश बुक प्लस होगी, तो कैश बुक तो वैसे ही प्लस थी, हमने जब बैंक भेजा होगा तो रिकॉर्ड कर कर ही भेजा होगा। एक चेक है 1200 का, डेबिटेड करा कैश बुक में, डन, बट नॉट डिपॉजिटेड इन। बड़ी कॉमन गलती है, आपने फीस दी, मैंने चेक रिकॉर्ड कर दिया, पर बैंक नहीं लेगा। अब बैंक लेके नहीं जाऊंगा तो बैंक में पैसे कहां से मिलेंगे, और कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो कैश बुक क्या होगी? प्लस। कितने का है? 1200। तो कैश बुक आप देख रहे हैं तो प्लस में 1200, तो लिखते हैं चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली, हमने चेक रिकॉर्ड कहां किया? सिर्फ कैश बुक में, सो दैट्स व्हाई प्लस में। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम नाम से पता चल गया, पेड बाय, अब बैंक पे करेगा, हमें तो खबर तक नहीं, तो अपने लिए कहां आ जाएगा? प्लस में। इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, जब मुझे कोई खबर नहीं तो मैं कहां से रिकॉर्ड करूंगा, तो कैश बुक प्लस में आ गई। और बैंक पे करेगा तो पासबुक क्या हो जाएगी? माइनस। तो कैश बुक प्लस। एक बिल है एक्सचेंज 6200 का ज्यादा हो, विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंट हो रखा है, रिटर्न आज क्या हो गया यदि बोलो? डिसऑनर्ड। और जब डिसऑनर हो जाता है, आपको बताया था बैंक कहां से पैसे काटता है? आपकी पासबुक से। तो कैश बुक क्या हो गई? प्लस। हमें कोई खबर नहीं तो कैश बुक क्या हो गई? प्लस। तो लिख सकते हैं बिल डिस्काउंटेड रिटर्न डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड रिटर्न डिसऑनर्ड लिखिएगा, डन हो गया सर। नेक्स्ट खत्म, बैंक चार्जेस हैं एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, अब बैंक चार्ज करेगा तो पासबुक क्या हो जाएगी? माइनस। तो कैश बुक प्लस। तो इंटरेस्ट
एंड बैंक चार्जेस। तो चेक करके बताइए कौन सी साइड आपको बढ़िया लग रही है। नेगेटिव 17,800 प्लस क्या है 68, तो लगाइए 24,600। चौबीस 600 में से माइनस कराइए 4,200 माइनस 1,200 माइनस 1,450 माइनस 6,200 माइनस 350। चेक करो बुक में 11,200 आंसर है, 11,200। और नेगेटिव बड़े हैं तो आप यहाँ कह सकते हैं सिंपल भाषा में ODS पर क्या कैश। हमें कोई डेबिट क्रेडिट के चक्करों में नहीं पड़ना, आपका सिंपल पॉजिटिव होगा तो बैलेंस एज पर कैश बुक, नेगेटिव होगा तो ODS पर कैश बुक। फटाफट देखिए कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दोबारा से आप प्रैक्टिस करें 2, 3, 4, 6, 7, 8 पॉइंट से काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए आयुष हो गया, करा मैं, संजित, क्रिश, डन है, लो जी वापिस आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बना के दिखाइए 28, अपना अपना जल्दी करिए 28 नंबर, फटाफट बनाइए 28 नंबर। ठीक है पढ़िए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स पर डेट नोट किया करो, कौन सा है 31 नंबर 19 को, बैलेंस एज पर क्या है पासबुक, कुछ नहीं बताया तो कौन सा बैलेंस मानेंगे जल्दी बोलो। पॉजिटिव, नहीं, डेबिट ना बोलिए, पासबुक है ना, पासबुक का डेबिट भी नेगेटिव हो जाएगा, तो उन्होंने सिंपल बैलेंस बोला तो पॉजिटिव प्लस में जाएगा, सिंपल दो लाइंस ड्रॉ करके प्लस में लिखिएगा। बैलेंस आ रहा है 8,500, अगर इसमें आप बात करें बैलेंस किसका दिया हुआ है आपको, ये पासबुक पासबुक का 8,500 दिया हुआ है। अगली एंट्री थी 5,100 की, हमने चेक इशू करे जिसमें से 1,200 का प्रेजेंट हुआ जनवरी और 200 का हुआ ही नहीं, और सारे क्वेश्चन में पहले मैं लिख दूं अपने देखना क्या है कैश बुक, तो 1,400 रुपये से कैश बुक क्या है माइनस। फिर आपने 48 के चेक बैंक में जमा कराए जिसमें से बैंक ने दिसंबर में क्रेडिट कितने करे 38,000 का क्रेडिट नहीं करा, पर बैंक ने पैसा नहीं दिया, उसे पासबुक क्या होगी माइनस, कैश बुक क्या होगी प्लस, 1,000 रुपये प्लस में। एक कस्टमर ने 800 रुपये डायरेक्टली जमा करा दिए बैंक में, तो हमें तो खबर तक नहीं, बैंक बढ़ गया पासबुक बढ़ गई कैश बुक माइनस, माइनस में 800 रुपये। एक बैंक ने क्रेडिट करे हैं दिए हमें 200 रुपये एज इंटरेस्ट, बैंक 200 रुपये देगा तो पासबुक बढ़ जाएगी कैश बुक फिर माइनस, और बैंक ने डेबिट करे हमसे 30 रुपये एज बैंक चार्जेस, तो कैश बुक बढ़ जाएगी पासबुक माइनस ये पॉइंट, और देर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, हिंट भी दे गया प्लस बढ़े हैं, प्लस बढ़े हैं जी 9,530 टोटल, 9,530 इज योर टोटल, यहाँ पे भी सेम आएगा, और डिफरेंस 9,530 माइनस माइनस 1,400 800, हाँ जी ठीक है, तो 7,130 और ये पॉजिटिव है तो इसके आगे बैलेंस एज पर ये पॉइंट 7,130, दिस इज योर आंसर, यहीं पे कर दिया अपन, डन हो गया। क्रिश कोई पॉइंट गलत होता है पूछा करो कि कैसे किया आपने, क्यों प्लस सोचा, वो क्लियर हो जाएगा। लो 29 नंबर बनाइए जल्दी आओ। ऑन चेकिंग राम कैश हो गई था बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिज ओवरड्राफ्ट, क्या लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट नवंबर 19 है, ओके यू आर फाइंड फॉलोइंग, और क्या कैश बुक का बैलेंस है, यहाँ देखो पिक्सल चल रहे हैं क्वेश्चन, कैश बुक का बैलेंस है 16,200, तो पहले मैं क्वेश्चन में आ जाऊं 29 नंबर, यहाँ पे सेंटर में हेडिंग देके BRS, उसके नीचे एज ऑन लास्ट 30th लिख लेते हैं अपनी तरफ से, नवंबर 2000 कौन सा है 19, यहाँ पे दो कॉलम ड्रॉ कर लीजिए प्लस और क्या है माइनस, यहाँ पे पर्टिकुलर्स वर्ड है ODS पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 16,200 का, तो माइनस में 16,200 देख लीजिए पहले, डन हो गया यहां तक, डन शुरू करिए पहला पॉइंट पेमेंट साइड, पहले पॉइंट आ गया पेमेंट साइड, ज्यादा क्लियर हो जाता है क्रेडिट साइड, कैश बुक की अंडरकास्ट है, अगर पेमेंट साइड कम लिखेंगे तो उससे कैश बुक का बैलेंस क्या आएगा ज्यादा, खर्चे कम लिखेंगे तो रसीद ज्यादा हो जाएगी, उससे सीडी ज्यादा आएगा तो उससे कैश बुक क्या हो जाएगी प्लस, बट हमें क्या देखना है तो पासबुक क्या हो जाएगी माइनस, कितने से 500, ये बताया था अंडरकास्ट ओवरकास्ट,
आप यहां सिंपल लिख सकते हैं पेमेंट साइड, पेमेंट साइड अंडरकास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अ चेक है 1300 का ड्रॉन मतलब इशू, बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑन हिज कौन से अकाउंट पे इशू किया था वैसे, और आप बीआरएस कौन से अकाउंट पे बना रहे हो, करंट दो होते हैं ना, मेरे नाम पे अकाउंट होगा एसडी कॉमर्स के नाम पे अलग होगा, तो करंट अकाउंट होगा एसडी कॉमर्स का, साहिल गोयल का सेविंग। मैं जेन्युइनली अपना चेक काट रहा हूँ कहां से, सेविंग से। हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड एज, कहां रिकॉर्ड कर दिया मैंने, ड्रॉन एज करंट अकाउंट ही ना, कैश बुक। गलती सोचो पहले कहां हुई, गलती हुई कैश बुक में, गलती हुई चेक जब मैं सेविंग से काटूंगा जा, तो पैसे भी कहां से कटेंगे जल्दी बोलो, सेविंग अकाउंट से पहली बात, ठीक है। आपने गलती से घर पे कैश बुक में कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करने से आपने कैश बुक क्या कर दी, माइनस, जबकि पासबुक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सेविंग अकाउंट की पासबुक अलग होती है करंट अकाउंट की पासबुक, रिमेंबर रखिएगा, सेविंग अकाउंट अलग चीज है करंट अकाउंट अलग। चेक इशू किया सेविंग से, प्रेजेंट भी कहां होना चाहिए, सेविंग, वो कभी करंट नहीं चलता, बट आपने ही खुद करो क्या लिखा उसने, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ड्रॉन एज करंट अकाउंट इन द इन द इन द कैश बुक, आप धक्के से कैश बुक में एंट्री कर रहे हैं, जबकि होनी थी बट पर्सनल अकाउंट से आपने करंट अकाउंट में कर दी, से कैश बुक क्या हो गया माइनस, पासबुक क्या हो गया प्लस, कितने से 1300, पासबुक प्लस है 1300, अच्छा पॉइंट है ये अकाउंट पर, चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट बट रिकॉर्ड एज करंट अकाउंट, लिख सकते हो चेक ड्रॉन इन सेविंग अकाउंट बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट इन कैश बुक, पता होना चाहिए गलती कहां हुई, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, चेक्स अमाउंटिंग टू 1800 ड्रॉ करे एंड एंटर्ड इन द कैश बुक हैड नॉट बीन, ये तो बड़ी कॉमन एंट्री है, हमने 1800 के चेक दिए, लोग बैंक नहीं गए, अब बैंक नहीं जाएंगे तो पासबुक क्या हो जाएगी प्लस 1800 से, अब मेरा नॉर्मल पॉइंट था चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंट, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंट, चेक अमाउंटिंग टू 7500 सेंड करे बैंक को फॉर कलेक्शन, ओके दो एंटर्ड इन द कैश बुक, रिकॉर्ड भी कर लिया, है नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक की गलती, मैंने चेक लगा के बैंक में दे दिया, बैंक ने अभी तक पैसा नहीं दिया, पासबुक क्या होगी माइनस, और देख भी क्या रहे हैं हम लोग, पासबुक 7500। नेक्स्ट, बैंक चार्ज ऑफ रुपीज 150 एज पर क्या, बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट बीन टेकन इनटू द कैश बुक, रिकॉर्ड कर दीजिए पासबुक से तो पैसे कट गए ना, तो पासबुक क्या हो गई माइनस, पासबुक तो क्या हो गई माइनस, डिविडेंड ऑफ द अमाउंट 420 हैज बीन पेड टू द बैंक एंड नॉट इन द कैश बुक, तो रिकॉर्ड कर दीजिए पासबुक तो क्या हो गई प्लस, हमें तो मिल गया ना, हमें तो डिविडेंड मिल गया, हमें क्या मतलब कैश बुक रिकॉर्ड करा या नहीं, साइन बताइए कौन सा बड़ा लग रहा है, दोनों चक्कर लेते हैं बराबर ये होगी, इधर का तो 24350 ये आएगा प्लस बड़ा है प्लस, तो लगाइए टोटल जी 32820, 32820 माइनस 16200 फिर 500 फिर 7500 फिर माइनस 150, चेक करना मान्य बुक में क्या आंसर है 8470, चेक करिए 8470 प्लस बड़े हैं, सिंपल कोई डेबिट क्रेडिट का चक्कर ही नहीं, बैलेंस एज पर पासबुक ये जा रहे, ऊपर बैलेंस इसका था कैशबुक, नीचे आंसर पासबुक, डाउट सही है। नेक्स्ट आइए, फटाफट ट्राई कीजिए अब खुद अपने लेवल पे, 30 नंबर जल्दी बनाइए, 30 और 31 दोनों मुझे अपने अपने बना के दीजिए, 30 और 31 दोनों अच्छे हैं जी, ध्यान से करिए कहां तक है, ठीक है बुक आपके पास है बना यहां से देख लीजिए, ये 30 नंबर, पहले इसमें तो कोई डाउट नहीं था, 30 में 30 बिल्कुल क्लियर है, आंसर पूरा मैच कर रहा है, इसके क्या क्या आंसर थे, 6000 बैलेंस किसमें आया था हमारा प्लस में यहां तक, जिसमें से 1500 के चेक आपने क्या किए थे इशू, 900 के सिर्फ क्या हुए थे प्रेजेंटेड, तो आपने देखना क्या है पहले तो बैलेंस है पासबुक का, क्वेश्चन में क्या देखना है कैश बुक, तो नेट 600 किसमें आया था माइनस, चेक आपने जमा कराए 2000 के, जिसमें से इसने उल्टा बोला है
800 के अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, तो 800 किसमें आ गया? कैश बुक के अकॉर्डिंग प्लस में। आपको चेक मिला 160 का, ऑल्दो एंटर कर दिया बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, परमिटेड टू बी बैंक, बैंक में नहीं भेजा, तो इसमें भी कैश बुक क्या थी? प्लस 160। 250 रुपए का चेक रिसीव किया, बैंक में जमा करा दिया, बट ओमिटेड कैश बुक रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक क्या थी? माइनस। और लास्ट 85 क्रेडिट हुए बैंक में सेविंग अकाउंट में, तो इससे कैश बुक क्या हो जाएगी? माइनस। 10 रुपए चार्जेस कट गए, तो इससे क्या हो जाएगी? प्लस। आंसर आ जाएगा 6035। अब आज का क्वेश्चन 31 नंबर, ओवरड्राफ्ट है कितना? 15,000। मैं इसको यहां बनाता हूँ, 31 नंबर, DRS एज ऑन, अभी दीजिए डेट क्या है वो चेक करना, 30 जून ईयर 2020 प्लस और माइनस ओडी एज पर क्या है पासबुक, कितने रुपए है? 15,000 रुपये माइनस। डन हो गया पहला पॉइंट। चेक का आपको 200 का मिला, आपने रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, पहले ऊपर बैलेंस पासबुक का है, हमें क्वेश्चन में क्या देखना है? अब कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो कैश बुक क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक, क्योंकि तो चेक जो आएगा तभी बैंक जाएगा। अगला सेम, चेक इशू करे 17 के, 10,000 के लोग बैंक से पैसे ले गए, 7 के लोग अभी तक बैंक में पैसा लेके नहीं गए, तो बैंक प्लस में, तो कैश बुक माइनस में। हमारी तरफ से चेक चला गया ना, आप जाइए ना जाइए बैंक में। नेक्स्ट पॉइंट, चेक इशू 2,000 का रिसीव हुआ, रिकॉर्ड भी हो गया, बट बैंक नहीं भेजा, जब तक तो बैंक नहीं भेजेंगे तो पैसे कहां से मिलेंगे, बट कैश बुक क्या हो जाएगा? प्लस, की बिकॉज हमने तो रिकॉर्ड कर लिया। चेक 10,000 के बैंक में भेजे, जिसमें से दो एक मिल गए, बट मिले कब? 8 और 10 जुलाई लेट, तो जब 30 जून की बारी थी तब तक तो पैसे नहीं मिले थे, तो तब तक पासबुक क्या थी? माइनस। कैश बुक क्या थी? प्लस। और रेस्ट चेक क्या था जी? मिल चुकी, तो 3,000 से कैश बुक हमारी प्लस है, पासबुक माइनस। बैंक ने 300 फी दिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दिनेश के बिहाफ पे, नॉट रिकॉर्डिंग कैश, बैंक ने दिए तो कैश बुक क्या हो गया? प्लस। कारण, बैंक लेगा पैसे कहां से? पासबुक से, हमें खबर तक नहीं, तो उससे कैश बुक क्या हो जाएगी? प्लस। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 800 रुपए, बैंक चार्ज करेगा तो पासबुक फिर माइनस, कैश बुक फिर प्लस। और बैंक ने 40 रुपए बैंक चार्जेस 2 टाइम रिकॉर्ड कर दिए, एक बार तो रिकॉर्ड कर नहीं था, दूसरी बार जो ज्यादा रिकॉर्ड करे उससे 40 रुपए क्या हो गए? माइनस। और एक 35 बैंक चार्जेस ऐसे हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं करे, तो प्लस, नेट नहीं कर सकते, अलग चलेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड, पहले ये समझा करो, क्रेडिट साइड का मतलब क्या हुआ? पेमेंट साइड, बैंक कॉलम कैश बुक की अंडरकास्ट है, अगर खर्चे कम लिखोगे तो कैश बुक का बैलेंस क्या आएगा? ज्यादा, तो 1,000 रुपए कहाँ आएगा? प्लस। कौन सा जी? अरे आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, कैश बुक में खर्चा 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, एक बार तो रिकॉर्ड करना ही था, एक बार एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करने से कैश बुक क्या हो गई? माइनस। बैंक तो एक बार कटेगा ना इसलिए। अब मुझे आंसर बताइए क्या, कौन सी साइड बढ़ लग गई आपको? नेगेटिव 15 7 22, 22,240, 22,240 माइनस क्या है? 2,000, 3,000, 15,105 आ रहा जी, चेक करिए। और नेगेटिव बड़े हैं तो ओडी एस पर कैश बुक 15,105, ओडीएस पर कैश बुक 15,105। तो जी अगला क्वेश्चन ट्राई करिए फटाफट, 32 नंबर, BRS है 31 मार्च 20 की है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन सिंगल सिंगल पॉइंट्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, फटाफट बनाइए जल्दी, 31 मार्च 20, 32 नंबर, और बैलेंस नोट करिएगा कैश बुक का है, और वो भी कौन सा? ओवरड्राफ्ट, तो माइनस, माइनस में। पर्टिकुलर्स जल्दी बनाइए, लीजिए पे बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, आप सारी एंट्रीज में किसको देखना है? पासबुक को। चेक डिपॉजिट करा बट रिकॉर्ड नहीं करा कैश बुक, जमा तो करा दिया बैंक में पर कैश बुक रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक माइनस पासबुक प्लस, मैं यहां साइन लगाता हूँ उसके आगे प्लस का। चेक रिसीव किया बट बैंक नहीं भेजा, तो पासबुक देख रहे हैं आप, तो पासबुक क्या हो जाएगा? माइनस।
क्रेडिट साइड बैंक कॉलम की ओवरकास्ट है, ये अमाउंट गलत तो नहीं आ गई, ऊपर नीचे डिसकस्ट है। क्रेडिट साइड बैंक कॉलम की खर्चे वाली साइड अगर ज्यादा लिखेंगे तो कैश बुक का बैलेंस क्या आएगा? माइनस। तो पासबुक क्या आएगा? प्लस। बैंक ने ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया पासबुक में खर्चा, एक बार तो रिकॉर्ड करना ही था, एक बार ज्यादा रिकॉर्ड करने से 75 क्या हो गया? माइनस। बी आर डायरेक्टली बैंक ने कलेक्ट करे पासबुक, प्लस। बिल कोई चेक डिसऑनर हो गया तो किसको पता चलेगा? पासबुक को, तो पासबुक माइनस। इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक ने पे करा तो माइनस पासबुक। चेक इशू किया प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक प्लस। बैंक में बंदा पैसे लेने नहीं गया, सिंपल बात है, तो साइन चेक कर लेना सारे। और लास्ट चेक डिपॉजिट करा क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक माइनस। देख लीजिए सारे साइंस देखने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। और नेगेटिव वर्ड करें, नेगेटिव वर्ड है, चेक कर लीजिए नेगेटिव वर्ड है, कोई डाउट है बताइएगा। आपका माइनस का क्या मतलब है? 12,500 है, माइनस में 1,500 है, 75 है, 1,700, 800 और 32। नेगेटिव का टोटल आ रहा है जी 19775, माइनस वाला टोटल 19775 माइनस पॉजिटिव करिए 2,000, फिर 60 रुपये, फिर माइनस 4,000 है, फिर -5,400, 8,315 नेगेटिव बड़े हैं तो ओवर ड्राफ्ट कैश पर क्या आ जाएगा? पासबुक 8,315, ओवर ड्राफ्ट कैश पर पासबुक 8,315। देख लीजिए यूज हो गया, सारे साइन लगा दिए, कोई डाउट है भी पूछ लीजिए, डन है। लो जी 33 नंबर ट्राई करिए, ये आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, 31 मार्च 20 है, पासबुक ऑफ जानकी दास शोड क्रेडिट बैलेंस 20,600, पासबुक का क्रेडिट मतलब कौन सा बैलेंस हुआ? पॉजिटिव। बीआरएस बनाना है 31 मार्च को फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से, 20,600, 31 मार्च 20, 31 मार्च बनाइएगा। एक मिनट यूज कर रहा हूँ, 31 मार्च क्या था? 20 है ना वहां पे, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। क्रेडिट बैलेंस एज पर किसका है? पास पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, हाँ जी पासबुक का 20,600, तो ये प्लस में आ गया, बैलेंस नहीं गलत चाहिए, अगर बैलेंस गलत हुआ तो काफी क्वेश्चन का क्वेश्चन बना। 20,600 प्लस में। पहला पॉइंट, चेक्स अमाउंटिंग टू 15,000 ड्रॉ करें जिसमें से 55 के क्या हो गए? प्रेजेंटेड कब कब कब? 3 अप्रैल, लड़ाई कितने की है? 55 की। और दिया हुआ है पासबुक, देखना क्या है? कैश बुक। तो हमारी तरफ से तो चेक कब के चले गए, तो हमारी तरफ से क्या आ जाएगा? माइनस में 5,500। बैंक से पैसे लेने नहीं जाओगे तो पासबुक पड़ेगी, कैश बुक तो माइनस होगी, तो हमारी तरफ से चेक किया हुआ है। एक चेक है 5,475 का, देख लेना, डिपॉजिट करा बैंक में, ओके, और उसमें क्या हुआ? रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक, आपने गलती से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो गलती आपकी है, 5,745 रिकॉर्ड कर दिया जबकि था -5,475 का। आपने 200, आपने कैश बुक में 270 रुपये ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो कैश बुक क्या हो जाएगी? प्लस। तो प्लस में 270 रुपये। नेक्स्ट, एक चेक है 5,000 का, रिसीव किया कस्टमर से, एंटर इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, पर यही रॉन्ग हो गया, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना था, तो मतलब कैश कॉलम में रिकॉर्ड करने का मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो कैश में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, बट वॉज ओमिटेड टू बी बैंक इन द मंथ ऑफ मार्च। तो आंसर क्या आएगा सर? नो एंट्री, चेक आया कैश बुक में रिकॉर्ड करा, पर चेक करो कहीं बैंक तो नहीं भेजा हमने, नहीं ओमिटेड टू बैंक, ना तो आपा रिकॉर्ड करा तो बैंक तो गया ही नहीं, कहां से पैसे मिलते, तो ये नो एंट्री। अच्छा पॉइंट है सर का, कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है कि जब नो इफेक्ट आ जाए ड्यू टू मैंने रिकॉर्ड करा कैश कॉलम, यही आंसर बदल देता हूं, अगर यहां कौन सा कॉलम लिखा होता तो आंसर आता कैश बुक प्लस, तो आंसर क्या आता? कैश बुक प्लस। ओके, एक बीपी 10,000 का रिटायर्ड, मतलब बताया था क्या होता है? पेड बाय बैंक अंडर आ रिबेट, कितना? बैंक ने तो 10,000 देने के बदले में किसी कस्टमर को कितने में निपटा दिया? 99 में, बट मैंने घर आके फुल अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, किसमें? और वो भी क्या कह रहा मैंने? क्रेडिट, क्रेडिट मतलब पेमेंट, तो कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है जानते हो? पेमेंट साइड लिखना था 99, तो मैंने कैश बुक में 10 लिख के कैश बुक की पेमेंट साइड 100 रुपए से क्या कर दी? ज्यादा लिख दी, तो कैश बुक क्या हो जाएगा? कैश बुक का वाला माइनस, माइनस में 100 रुपए।
या रखिएगा माइनस में 100 रुपए। बैंक चार्जेस एंटर्ड इन द कैश बुक, फिर भी बात एक बार तो रिकॉर्ड करना ही था, दूसरी बार रिकॉर्ड करने से कैश बुक क्या हो गई माइनस। टोटलिंग कर लीजिए, कौन सा 21,600 प्लस, सॉरी मैं गलती बोल दिया, 20,600 है ना वो, तो 20,870, इसमें से माइनस बोलिए 5,500 माइनस 300 क्या आंसर बताना, 15,070 आंसर लाइए, क्या मैच कर रहे हैं? हाँ जी ठीक है। और पॉजिटिव बढ़े हैं तो क्या लिखेंगे मान्या, बैलेंस एज पर कैश बुक, नोट करिएगा पॉइंट छोटे से थे आपके सामने, 4-5 हो गया, बैलेंस एज पर कैश बुक। धन्य जी यहां तक दक्ष हो गया, क्रिश चलिए नेक्स्ट डे कुछ आइटम लिखी हुई है, 34 पे आएगी, वेयर बी आर एस फॉलिंग पर्टिकुलर 31 मार्च 20, बनाइए प्रॉफिट 34, यहाँ पे हेडिंग दीजिए बी आर एस एज ऑन, क्या अपूर्व डेट लिखी हुई है 31 मार्च 20 है, पर्टिकुलर प्लस माइनस। तो ये यहाँ पे बैलेंस है क्या? नहीं, सबसे लास्ट में, इस बार लास्ट में दिया हुआ है, तभी मैं पहले देख रहा था, अगर टॉप पे नहीं है, पैराग्राफ में नहीं है, सबसे लास्ट में, डेबिट बैलेंस किसका है बोलो, तो क्या होगा माइनस बैंक का डेबिट, तो लिखिए डेबिट बैलेंस पासबुक का 72, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस में 7200, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक पासबुक पासबुक, आप सेंटर में यहां लिख देते हैं, देखना क्या है, कैशबुक पासबुक का बैलेंस है, पहले पॉइंट पे आ जाइए, शुरू हो जाइए यहां से, चेक डिपॉजिट करें बैंक में 25 मार्च को 20,000 के, जिसमें से चेक 8,000 के क्लियर कब हुए, तो लड़ाई कितने की है 8 की, एक चेक है 6,000 का ऑन कब हुआ 6 अप्रैल, एक चेक है 1,400 का डिसोनरों के साथ, तो तीनों की लड़ाई होगी, 8 का क्लियर हुआ और 6 का कब क्लियर हुआ, 15,400, 8 का 4 अप्रैल को, 6 का 6 अप्रैल को, 1,400 का तो हुआ ही नहीं, तो 8, 6, 14 और 1,400, 15,400 हमने बैंक में जमा किया था, बैलेंस पासबुक का है, हमने क्या देखना है, तो कैश तो बड़ी पड़ी है, तो प्लस में आएगा 15,400, क्योंकि बैंक ने पैसा नहीं दिया, बैंक ने पैसा नहीं दिया, उससे पासबुक क्या होगी, उससे पासबुक क्या होगी बताइए मुझे, माइनस कैशबुक प्लस, चेक अमाउंटिंग टू 12,000 इशू करे, या उसमें से चेक फॉर पीस 2,000 के इन कैश हुए, कितने के बंदे बैंक से पैसे लेके नहीं गए, 10,000 से कैश बुक क्या है माइनस, क्योंकि पैसे लेके नहीं जाओगे तो पासबुक क्या होगी प्लस, कैश बुक, हमें कैश बुक देखना है, एक बिल है 5,000 का डिस्काउंट कराया था जनवरी में, डिसऑनर्ड हो गया 30 मार्च को, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, खर्चा बैंक ने पे करा, वो बैंक आगे से लेगा हमसे, नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसऑनर वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इन मार्च, तो कैश बुक को तो इसके बारे में कोई खबर ही नहीं, पर बैंक ने आपके खाते से कितने पैसे काटे 5,000 बिल के रहे, 50 रुपए इसके भी, यही गलती होती है, आप 50 लोड करेंगे, जो आपको बताया था बिल लेके हम बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, आपा तो पैसे ले घर आ गए, आपा तो पैसे लेके घर आ गए, आपा तो पैसे ले घर पे आ गए, पर एक्चुअली ड्यू डेट पे जब पैसे नहीं मिलेंगे, जब एक्चुअली ड्यू डेट पैसे नहीं मिलेंगे, तो बैंक किसके अकाउंट से पैसे काट लेगा, आपके अकाउंट से, प्लस पैसे नहीं काटेगा, कोई बेइज्जती चार्जेस, और 50 रुपये आपके बेइज्जती चार्जेस भी देगा, तो 5,050 से आपकी कैश बुक क्या है प्लस है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इतने प्रॉफिट देखिए जी, चेक्स इशू करे क्रेडिटर को 2,000 के, वॉज दो मिस्टेक एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ दी, हम तो मानते नहीं, कैश कॉलम में रिकॉर्ड करने का मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो जो मर्जी सोची जाओ, ठीक है, सेम हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो आंसर क्या होगा, नो इफेक्ट, हमने चेक दिया बट क्या हुआ, हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया ना, तो कैश कॉलम कम करा, कैश बुक कम करी, उधर से सामने वाला बंदा बैंक भी नहीं गया ना, पासबुक कम हुई, दोनों फैक्टर क्या हो गए, जीरो। लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, रिसीप्ट साइड मतलब डेबिट साइड, कैश बुक की कौन सी है, दिमाग लगाइए, अगर डेबिट साइड अंडरकास्ट होगी तो कैश बुक का बैलेंस क्या आएगा, कम ही आएगा, तो कैश बुक माइनस, और देखना भी कैश बुक है तो माइनस में 100 रुपए, माइनस में 100 रुपए,
बैंक हैज पेड अ बिल बिल्स पेबल अमाउंटिंग टू 2500, बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक. तो बैंक ने पे कर दिया कैश, वो तो खबर भी नहीं. तो बैंक माइनस में, कैश बुक प्लस में, हमें तो पता भी नहीं कि बैंक बैंक ने कोई बिल भी पे करा है. और चेक है 2000 का इशू किया था एक्स को, वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन. यहां दिक्कत, हमने चेक दे दिया, उसने बताया नहीं कि वो प्रेजेंट हुआ या नहीं. अब आप अजम्पशन नहीं ले सकते, शायद क्या पता वो ना गया हो. हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसे कैश बुक क्या हो गई, प्लस. मान के चलेंगे सामने वाला बंदा तो बैंक में प्रेजेंट हो गया होगा, तो उसे पासबुक माइनस कैश बुक प्लस, प्लस में कितना 2000, क्योंकि तो मेरी तरफ से चेक गया बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. तो पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो बैलेंस क्या आएगा ज्यादा. आंसर लास्ट में ये था. लो जी चेक कराइए कौन सी साइड बड़ी है. हाँ जी, 15400 प्लस 5000 प्लस 2500 प्लस टोटल लगाइए 2495. टू फोर नाइन फाइव जीरो माइनस 7200 माइनस 10000 माइनस 100 रुपये. नहीं आंसर पूछ रहा हूँ, तो ये रहा है, ये रहा 7650 प्लस बड़े हैं तो लिखेंगे क्या, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक नोट करिएगा 7650, बैलेंस एज पर कैश बुक 7650. लो जी क्वेश्चन नंबर आइए 35. बीआरएस है 31 मार्च 20 की, पहले बना लीजिए 35 यहाँ पे हेडिंग दे करके. बीआरएस एज ऑन 31 मार्च कौन सा है, 31 मार्च 20 यहाँ पे आप लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स या प्लस और माइनस. शुरू करिए, डेबिट बैलेंस है किसका जल्दी बोलो, तो कहां पे आएगा प्लस, तो लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इसमें प्लस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इसमें प्लस में. आपको क्लियर होने चाहिए सारे पॉइंट्स, डन हो गया. नेक्स्ट आइए, और चेक है 2000 का इशू करा फेवर ऑफ एक्स में, है नॉट बीन प्रेजेंट फॉर पेमेंट. हमने चेक दिया पर वो बंदा बैंक गया ही नहीं, तो से पासबुक क्या हो जाएगी प्लस, कितने का था 2000. तो देखना पासबुक है तो पासबुक इसमें आ गई प्लस, तो यहां लिख दूं बैलेंस इसका देखना है पासबुक. अब बिल 4000 का फिर वही बैंक ने पे करा कितने रिपीट पे 120. हमने घर आके कितना रिकॉर्ड कर दिया सारा, तो 120 एक्चुअली बैंक से कम कटे, तो पासबुक 120 से क्या है प्लस है, और हमने कैश बुक 120 से क्या रिकॉर्ड कर दी ज्यादा खर्चे में, तो कैश बुक कम हो गई पासबुक ज्यादा हो गई. और चेक है 750 का डिपॉजिट करा बैंक में, बाद में क्या हो गया डिसऑनर का किसको पता चलेगा, बैंक को, तो पासबुक से माइनस, पासबुक से माइनस, माइनस में 750 पासबुक माइनस में. और चेक सम 3600 डिपॉजिट करा बैंक में, पर बैंक एंड हैज बीन क्रेडिटेड एट 360 द. अब ये गलती बैंक से हुई, मैंने 3600 बैंक में जमा कराए, बैंक ने मुझे सिर्फ कितने दिए 360, कितने पैसे कम दिए 3240 बैलेंस बैंक ने कम दिए, तो इससे पासबुक क्या हो जाएगी माइनस 3240, जबकि मैंने 3600 जमा कराए पर बैंक ने दिए 3240. लास्ट पॉइंट, पेमेंट साइड अंडरकास्ट, पेमेंट साइड अब खर्चे कम रिकॉर्ड कर लो, कैशबुक का बैलेंस ज्यादा पासबुक माइनस, माइनस में 100. यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड करिए, बताइए कौन सी साइड आपको बड़ी लग रही है. पॉइंट सारे हो चुके हैं माइनस की 3240 प्लस क्या 100 रुपये प्लस 750 है क्या वो, तो 4090 4090 4090 माइनस क्या है 1500, फिर चेक करना 470 आंसर है बुक में. नेगेटिव बड़े हैं तो ओडी एस पर पासबुक माइनस बड़े थे तो इधर लिखा, और ओडी एस पर क्या पासबुक, फटाफट देखिए ओडी एस पर पासबुक. आइए 36, राघव एंड कंपनी हैव टू बैंक अकाउंट्स, अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर क्या है 2. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर 1, हम अकाउंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं. दिया जानकारी उसने है कि मेरे दो अकाउंट हैं, पर आप कंसर्न रहिएगा किससे, अकाउंट नंबर 1 से. फाइंड आउट द बैलेंस ऑन दैट डेट फाइंड इट अकॉर्डिंग टू कैश बुक. ओके बैलेंस देखो फिर लास्ट में, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या है पासबुक 18900
90। डेट है 31 दिसंबर, कौन सा 16 बनाइए, 31 दिसंबर 2016, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस बैलेंस किसका दिया हुआ है, ओडीएस पर पासबुक का, ओडीएस पर पासबुक तो लिखिएगा कितना बैलेंस है, 18,990, 18,990 माइनस में 18,990, 18,990 माइनस में ओडी एस पर किसका दिया हुआ है, पासबुक का। आपा किसका देख के चलना है, कैशबुक, ओडी एस पर पासबुक हम किसका देखना है, कैशबुक का। तो शुरू होते हैं पहले पॉइंट से, अकाउंट नंबर वन है बट क्या रखिएगा, चेक्स पे करे बैंक में इतने तारीख को बट नॉट क्रेडिटेड अंटिल दैट डेट तक, अभी तक कोई खबर नहीं आई। चाहे अपना काम था चेक बैंक में लगाना, तो बैलेंस कैश बुक पासबुक का है, हमें कैश बुक देखना है, बैंक से पैसे नहीं मिले, तो पासबुक माइनस कैश बुक प्लस, तो प्लस में 10,000 हमने चेक लगा दिए बट बैंक ने पैसा नहीं दिया। ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू कहां से, पहले तो 2 से 1 में आए, ठीक है, रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑन 31 दिसंबर, ठीक, बट एंटर्ड इन द कैश बुक आफ्टर दैट डेट, कैश बुक में लेट रिकॉर्ड करें, कितने 8,000। पहले बताइएगा अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में पैसा आया, बैंक ने तो टाइम पे रिकॉर्ड कर दिया होगा, पैसा आया हम बीआरएस कौन से अकाउंट गिना रहे हैं, 1 और 2 की, 1 की, तो 1 में पैसा आया है, तो 31 दिसंबर तक 1 में पैसा आ चुका था, तो पासबुक क्या है तब तक प्लस, और कैश बुक क्या है माइनस में 8,000। और जान के कंफ्यूज करते हैं अकाउंट नंबर बोल के, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट, चेक इश्यू करा इस दिन को बट अभी तक कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ, अच्छी बात है, तो अपने से इससे क्या हो जाएगी, कैश बुक माइनस, बैंक से पैसे नहीं गए, तो पासबुक प्लस कैश बुक माइनस 7,429, कैश बुक माइनस 7,429। बैंक चार्जेस डेप्टेड बाय बैंक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे, तो कैश बुक क्या हो जाएगी प्लस, कैश बुक प्लस हो जाएगी। इंटरेस्ट डेप्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट काट दिया, तो फिर कैश बुक क्या हो जाएगी प्लस, टोटल लगवाइए यहां जा करके 18,990 प्लस 8,000 प्लस 7,429 है क्या, ये टोटल लगाइए 3,4,419, 3,4,419 माइनस क्या है इसमें से 10,200 और क्या है 500, तो लिखिए ये आंसर है, थोड़ा अजीब सा है, 2,3,639, 2,3,639, तो ये ओडी है जी, ओडी एस पर लिखिए जी, ओडी एस पर कैश बुक, ओडी एस पर कैश बुक, डन है जी। नेक्स्ट स्टेप है 37 जी, करने हैं लास्ट, आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस, लास्ट डेट है 30 सितंबर 19, बनाई जी जल्दी बनाइए फास्ट, 30 सितंबर तक 19 को बीआरएस, हाँ जी 37 नंबर, थर्टीएथ सितंबर 19 पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, देखिए जी तो बैलेंस ऊपर ही है, ओवरड्राफ्ट है पासबुक का 10,000, ओडी एज पर माइनस में 10,000, माइनस में 10,000, तो ये आपके पॉइंट्स हैं जी जो आपने अभी करने हैं, बैठ के फटाफट करिए, फटाफट करिए सेल्फ जल्दी फॉरवर्ड करिए, बैलेंस किसका था पासबुक का 30 सितंबर को, ठीक है लो जी यहां से स्टार्ट करना है, जल्दी करिए,
बैलेंस था अपने पास पासबुक का 10,000 रुपये 30 सितंबर 2019 का, नेगेटिव में ओडी है। तो कैशबुक देखना है, चेक जमा करवाया बैंक में बट नॉट रिकॉर्डेड। अब कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा तो कैशबुक क्या आ जाएगा, माइनस देखना कैशबुक है तो माइनस में 100 रुपये। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैशबुक। नेक्स्ट पॉइंट टेक कर लीजिए, चेक रिसीव एंड रिकॉर्डेड सेम, जो पीछे किया था रिकॉर्ड भी कर लिया बट सिर्फ बैंक में भेजे नहीं, तो इससे कैशबुक वैसे प्लस में 1,000 रुपये। ये रिकॉर्ड कर दिया पर बैंक नहीं गया, हमें कैशबुक देखना है। नेक्स्ट, सेवरल चेक्स हैं ड्रॉन किए लास्ट वीक ऑफ सितंबर टोटलिंग 15 के, जिसमें से टोटलिंग 9 वाले इन कैश हो चुके, मतलब 6,000 के लोग बैंक से पैसा लेके नहीं गए, सिर्फ पासबुक प्लस है तो कैशबुक, हमें कैशबुक देखना है तो माइनस में 6, माइनस में 6। सिमिलरली सेवरल चेक्स टोटलिंग 9 के बैंक में भेजे, जिसमें से चेक 1500 के क्रेडिट हुए 5 अक्टूबर, इसकी लड़ाई है, और 2 के हुए 7 अक्टूबर, इसका चक्कर है, एंड बैलेंस उससे पहले हो चुके थे, उसका लड़ाई नहीं है। तो 2 और 1 3.5 3.5 बैंक ने दिया बट लेट दिया, लेट देने से पासबुक माइनस है बट कैशबुक प्लस, तो कैशबुक तो प्लस थी 3500 से। यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फीस है 250 की पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने पे करी हमें मतलब नहीं है, तो कैशबुक किससे हो गई प्लस, तो बैंक से पैसे कटेंगे ना फीस के, हाँ पेड है ठीक है। इन द कैशबुक अ बैंक चार्जेस ऑफ 30 रिकॉर्डेड ट्वाइस व्हाइल अनदर रिकॉर्डिंग करे, एक बार जो 30 फालतू रिकॉर्ड कर दिए उससे कैशबुक क्या हो गई माइनस, एक जो रिकॉर्ड ही नहीं करे उससे क्या हो गई प्लस, दो पॉइंट्स हैं 30 और 50। इंटरेस्ट है 1400 का चार्ज्ड बाय बैंक, हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो कैशबुक इसमें आ गई प्लस, यहाँ कोई खबर नहीं। यहाँ पे कौन है 10,000 प्लस 100 प्लस 6 प्लस 30, 16,130, और इधर माइनस में 1,000 करेंगे 35, 250, 1400, 9930 आंसर जो आ रहा है 9930। और आपके कौन बड़े थे नेगेटिव ना, तो ओडी एस पर क्या नाम था कैशबुक, डन सर। अपने ये वैसे कितने क्वेश्चन हो गए, लास्ट कितने थे इसके अंदर 44, नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।